रुख कर लेते हैं यहाँ से अब खाद्य तेलों के बाज़ार की ओर। देख रहे हैं कि यहाँ पे मस्टर्ड सीड का अक्टूबर वायदा 8492 पर है, 1% की तेज़ी है। रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1318 पर, 0.5% की तेज़ी के साथ। और सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5924 पर है, 0.5% की तेज़ी के साथ। हम देख रहे हैं कि तिलहन बाज़ार, खाद्य तेल का बाज़ार कुछ हल्की जो लेवल, हालांकि हरे निशान पर है, लेकिन लेवल्स वो वाले देखने को नहीं मिल रहे हैं जो हमने पहले देखे थे। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने खाद्य तेलों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है, वो ये है कि सरकार एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिस पर सभी खाद्य तेल के व्यापारी अपने स्टॉक के बारे में जो डिटेल्स हैं वो देंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि एक तो सरकार के पास डिटेल्स जाती रहेगी कि खाद्य तेल देश में कितना है, व्यापारियों के पास कितना है, किसानों के पास कैसी फसल है, उसका एक डिटेल जाती रहेगी सरकार के पास। और दूसरा, कोई ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रख पाएगा, काला बाजारी रुकेगी। तीसरा, जो बाज़ार है उसमें एक संतुलन बनता हुआ नज़र आएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने कम स्टॉक दिखा दिया और उसके पास ज़्यादा माल निकल रहा है, क्योंकि सरकार छापेमारी भी ज़रूर तेज करेगी। और अब जैसे कि त्योहारी सीज़न है तो जो छापेमारी है खाद्य तेलों की वो भी तेज़ होती हुई नज़र आएगी। तो जो स्टॉकिस्ट हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, वो इस अगर इस बात को सुन रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि भैया कालाबाजारी ना करें, त्यौहार पास में है, सरकार छापे मार सकती है। तो ज़्यादा स्टॉक ना करें, संतुलन ज़रूर बना के रखें, वरना काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना भी पड़ सकता है। बात करें कीमतों की तो सरसों में तेज़ी का ही रुझान है। हाल फिलहाल में सरसों की कीमतों में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नज़र आई है, खपत ज़्यादा है और जो स्टॉक है सरसों का वो कम है, जिसकी वजह से सरसों में तेज़ी है।